हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुधा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम की नाश्ते से। चाय तो हो चुकी है नाश्ते से, तो अभी मैं बना रही हूँ पानी पूरी। और ये है मेरे पास रेडीमेड पानी पूरी। गाँव में इसे बच्चे, मेरी जिठानी के जो बच्चे हैं, इसे चाइनीज़ पानी पूरी बोलते हैं, तो मैं भी आजकल इसे चाइनीज़ पानी पूरी बोलने लगी हूँ। तो इसको तो हम रेडीमेड पानी पूरी के नाम से ही जानते थे। तो ये आज झटपट यही बनाने जा रही हूँ नाश्ते में मैं। शाम के टाइम पे छोटी छोटी भूख तो लगी जाती है ना, सुबह यहाँ लंच जल्दी हो जाता है, 10 बजे तक लंच हो जाता है, उसके बाद 4-5 बजे तक भूख लगने ही लगती है। तो इसलिए शाम को मैंने सोचा आज झटपट से ये रेडीमेड पानी पूरी ही बना देती हूँ। और एक दिन और बनाया था तो पापा जी को पसंद भी आया था, तो मैंने कहा चलो आज भी बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं तल रही हूँ पानी पूरी, और इसको बनाना बहुत इजी है। बस आलू वगैरह थोड़ा सा उबला हुआ रखो, या फिर कुछ भी मैश कर लो, थोड़ा सा आलू या छोले वगैरह कुछ भी, और भर के बस पानी तैयार कर लो। झटपट सा मुझे बहुत इजी लगता है बनाना। तो अभी सारे इनको फ्राई करके मैं रख लूँगी, और ये बहुत अच्छे से, देखिए कितने अच्छे से फूल रहे हैं। मुझे इनको फ्राई करने में बहुत मज़ा आ रहा था, कितने अच्छे से फूलते हैं। और इनको बस निकाल लो, झटपट तैयार होते हैं ये वाली पानी पूरी। और इनको आज मैंने थोड़ा सा धूप में सुखा दिया था, क्योंकि ये थोड़ी सी नमी की वजह से, बारिश का मौसम चल रहा है इस समय ना, तो नमी से ये ना, एक बार जब मैंने बनाया था तो फूले नहीं थे अच्छे से, तो मैंने इनको थोड़ा धूप दिखा दिया ना, तो आज देखिए कितने अच्छे से फूल रहे हैं। तो अगर आपके भी पानी पूरी ऐसे हो जाए रेडीमेड वाले, तो उनको थोड़ा धूप दिखा लीजिए तो अच्छे हो जाते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे अच्छे गुब्बारे जैसे एकदम फूल रहे हैं, और एकदम मुँह में जाके तुरंत गल जाते हैं। तो यहाँ पर सारे फ्राई कर लेती हूँ मैं पानी पूरी, और फिर इसका पानी बनाऊँगी। पानी बनाने के लिए बस सिंपल सा आप चाहे नींबू यूज़ कर सकते हैं खटाई में, या फिर आमचूर यूज़ कर सकते हैं, या फिर इमली का पेस्ट। तो वो इमली वगैरह करना बहुत लंबा और झमेला हो जाए। अगर आप कुछ इंस्टेंट बनाना है शॉर्टकट में, तो आप नींबू का रस यूज़ कर सकते हैं, या फिर आमचूर पानी के अंदर घोल लीजिए। चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक, लाल मिर्ची, ये सारी चीज़ें डाल के, और तुरंत अपना पानी तैयार कर सकते हैं। और यहाँ देखिए पानी पूरी हो गई है सारी रेडी, और मैंने प्याज की चॉपिंग भी कर ली है। जब से मैंने ये चॉपर लिया है ना, मेरा चॉपिंग का काम आसान हो गया है। देखिए कितनी बारीक प्याज अच्छे से इसमें से कट गई है, और बहुत झटपस, बस 3-4 बार इसको रस्सी को इसके खींचो और वही कट जाता है। और ये देखिए, जब मैं पानी पूरी बना के रूम में गई हूँ, तो यहाँ पर मुझे पांडे जी मिले। पांडे जी ने सरप्राइज़ दे दिया, बोले थे शाम को आऊँगा, बट अभी दोपहर में ही आ गए हैं इलाहाबाद से। तो चलिए ये भी नाश्ता कर लेंगे पानी पूरी। और यहाँ देखिए पानी रेडी हो गया है, पंडित जी समोसे भी लेके आए हैं, तो डबल डबल नाश्ता हो गया आज। तो यहाँ पे है दोपहर की थोड़ी सी सब्जी, आलू वाली सब्जी बची थी, तो मैंने इसको ही मैश कर लिया, अलग से आलू वगैरह बॉईल नहीं किया है, और इसी को कर ले रही हूँ। क्योंकि अब समोसा भी आ गया तो हैवी हो जाएगा, फिर मैं ज़्यादा छोले आलू का चक्कर नहीं करना चाहती थी, तो मैंने थोड़ी सी सब्जी को ही मैश कर लिया, और इसमें मसाला वगैरह मिला लिया, मसाले का पानी जो है, और प्याज भी इसमें ऐड कर दे रही हूँ, जिससे कि हमें सबके पानी पूरी में अलग से प्याज ना डालना पड़े, तो इसी में मिक्स कर दे रही हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी दही भी फेंट ली है, दही का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है पानी पूरी में। और यहाँ पे देखिए थाली रेडी होगी एकदम पानी पूरी की, तो मसाला, पानी, मीठी चटनी और दही सब कुछ रेडी है। तो चलिए इसको खा लेते हैं बना के, और आप भी खा लीजिए, खा के बताइए कैसा बना है। तो गाइस, पानी पूरी खाने के बाद मैं तैयारी कर रही हूँ रात के डिनर की, और डिनर के लिए मैं बना रही हूँ डोसा। तो अभी मैं नारियल की चटनी बनाने जा रही हूँ। तो ये नारियल है मेरे पास, पानी वाला नारियल गांव में नहीं मिला मुझे, तो मैं ये सूखा नारियल को ही थोड़ा सा बॉईल कर लिया, और उसके बाद इसको दही और नारियल, मिर्ची, नमक, ये सब करके मिक्सर में पीस के चटनी बना ले रही हूँ। डोसे का बैटर मैंने पहले से ही भिगो के रखा था, पहले से ही करके रखा था कि आज डोसा ही बनेगा, और आज पांडे जी भी आने वाले थे, तो मैंने कहा चलो अच्छा है तो भी खा लेंगे, तो इसलिए बन रहा है डोसा। और सिर्फ डोसा चटनी बना रही हूँ, सांभर नहीं बना रही हूँ, क्योंकि सांभर पसंद मेरे को नहीं है, मेरी मदर इन लॉ को भी नहीं है, हम दोनों को नहीं है। पापा भी खा लेते हैं, बट इतना इंटरेस्ट से नहीं खाते हैं। पांडे जी खाते हैं, बट जब 3 लोग का वोट है कि नहीं है सांभर का, कोई इतना डिमांड नहीं है, और आज नाश्ता भी हैवी हो गया, समोसा भी, पानी पूरी भी, तो सांभर थोड़ा और हैवी हो जाता है, इसलिए सांभर के लिए सब ने मना कर दिया। तो इसलिए सिर्फ डोसा और चटनी बन रहा है। तो चटनी के लिए देखिए मैं थोड़ा सा मूँगफली का पाउडर डाल रही हूँ इसमें, ताकि चटनी में थोड़ा सौंधापन आ जाए। चटनी पीस ली है, और थोड़ा सा इसको डाल के एक बार और पीस लूँगी। और चलिए अब डोसे का मसाला भून लेते हैं। तो ये देखिए तड़का दे रही हूँ,
पंचफोरन डाल दिया है तेल गरम करके, और फिर इसमें आलू डाल के उसको फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए प्याज मैंने भून ली है, और इसमें थोड़ा सा हल्दी और मिर्ची, नमक, ये सारी चीज़ें, मसाले जो कॉमन मसाले होते हैं वो डाल के, और आलू, उबले हुए आलू डाल के इनको मैश कर लूँगी और थोड़ा सा भून लूँगी। तो बस मसाला भी तैयार है, और फिर बस डोसा बना बना के सबको खिलाना ही रह जाएगा। तो मेरा काम अब लगभग हो ही चला है। तो ये देखिए आलू को मैंने साबुत ही डाला है, जिससे कि आलू अच्छे से भुन जाएँ, इसमें सोंधापन आ जाता है। पता है जब डायरेक्ट हम आलू को मसल के डाल देते हैं ना, तो वो इतने अच्छे से भुन नहीं पाता, वो कढ़ाई में चिपकने लगता है। बट आप साबुत आलू ही डाल के उसको थोड़ा थोड़ा चिट्टी पड़ने तक भून लेंगे, और उसके बाद उन्हें मैश करेंगे ना, तो उनका जो टेस्ट होता है गजब होता है। वो बहुत सोंधा सोंधा सा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है वो आलू। तो यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर दिया है, थोड़ा चटक बनाने के लिए। और अब देखिए मसाला एकदम रेडी है, तो चलिए अब डोसा भी बना लेते हैं। तो डोसे का बैटर मेरा इतना अच्छा फर्मेंट हुआ है ना, मैंने 24 घंटे तक उसको फर्मेंट किया है, एक रात और पूरा दिन आज का, तो बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया है। और देखिए कितने अच्छे से इसमें बबल्स बने हुए हैं, और कितना अच्छे से फूला है ये, और इसके डोसे बहुत अच्छे बनेंगे अभी बनाऊंगी। तो ये देखिए आज मैं लास्ट टाइम मैंने आपको नॉर्मल तवे पे बताया था डोसा फैलाना, अभी नॉनस्टिक तवे पे बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए दो स्पैचुला बैटर लेके डालना है, और बहुत ही आराम से इसको घुमाते हुए इस तरीके से फैला देना है। फैलाते समय आप आँच धीमी रखेंगे तो आप आसानी से फैला पाएंगे, और बिल्कुल भी आपके स्पैचुला भी नहीं चिपकेगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसे फैला दिया है, और कितना अच्छा दिख रहा है ना ये, अभी से ही मुँह में पानी आने लग गया है, इतना डिलीशियस दिख रहा है। तो इसको थोड़ा सा गोल्डन पीछे से हम होने देंगे, सिकने देंगे, और किनारों पे अगर आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा तेल डाल सकते हैं, ना भी डालेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि नॉनस्टिक तवा है तो अपने आप ही इसको छोड़ने लगेगा डोसा तवे को, तो कोई ज़रूरत नहीं है, डालना चाहे तो डाल भी सकते हैं। तो देखिए मैंने बीच में आलू भर के और इसको फोल्ड कर दे रही हूँ, और ये देखिए एकदम क्रिस्पी सा डोसा हमारा एकदम तैयार हो गया है, और बाहर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम टेस्टी। तो इसको चलिए प्लेट लगा देती हूँ, और आप लोग एंजॉय करिए इस गर्मा गर्म डोसे को, और सबको खिला देती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये देखिए ये है नारियल की चटनी, और ये डोसा एकदम रेडी है हमारा, जालीदार एकदम क्रिस्पी क्रंची डोसा रेडी है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक शेयर किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, आप लोग लाइक शेयर करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक किया करिए। और हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, और अभी हो रहे हैं रात के 10:30, और गुड नाइट कहने का टाइम आ गया है। तो मैं बिल्कुल भी फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं आप लोगों से बीच में बात कर पाऊँ, शाम को सोचा था कि पानी पूरी बनाने के बाद में आप लोगों से बात करूंगी थोड़ा सा, बट ऐसा बिजी हो गई काम में कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो आप लोग कैसे हैं, और आई होप कि अच्छे ही होंगे सब लोग, अच्छे भले चंगे होंगे, और अपनी सिक्योरिटी खुद कर रहे होंगे कोरोना से। और अभी सारा काम करके फ्री होके आई हूँ किचन से, क्लीनिंग वगैरह कर ली, बर्तन वगैरह हो गए, सब कुछ हो गया, अब रूम में आई हूँ, अब टाइम मिला है मुझे थोड़ा सा। और मेरे लुक्स पे मत जाइए, मेरा लुक्स एकदम चंपू वाला हो गया है, अभी मैंने तेल खूब सारा चंपी किया है खुद को, और थोड़ा सा सिर में दर्द सा भी हो गया था तो तेल लगा के चंपी किया, तो थोड़ा रिलीफ लग रहा है, और सोने की तैयारी हुई बस। और आप लोगों ने देखा ही आज पांडे जी आए हैं, लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि पांडे जी अब हमेशा के लिए आ गए हैं इलाहाबाद में, तो अभी वो वीकली घर पे आते हैं गांव में, तो मंडे जाते हैं और फिर सैटरडे आते हैं, तो आज सैटरडे है और अभी आ गए हैं वो, और अभी जा रही हूँ मैं, थोड़ा सा और एक दो काम है वो भी निपटाना है मुझे, थोड़ी सी पैकिंग करनी है, कहीं जा रही हूँ मैं, और कहाँ जा रही हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा, तो नेक्स्ट ब्लॉग पूरा देखिएगा, और कब जा रही हूँ, कितने दिनों के लिए जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, सब कुछ आपको उसमें पता चलेगा। और अभी एक और काम है, दूसरा काम है द्रोही और पांडे जी को चंपी करना, तो खुद को तो कर लिया है, अब इन लोगों को भी करना है, थोड़ा थोड़ा कर दूँ तो थकान जो होती है दिन भर की निकल जाती है, तो इन लोग को भी चंपी कर देती हूँ। और
सैटरडे है, सैटरडे को कहते ना कि सरसों के तेल से चंपी करनी चाहिए, तो उससे क्या होता है कि क्या कहावत है कि शनि का जो दुष्प्रभाव होता है वो भी कम होता है सरसों का तेल से चंपी करने से। और थकान तो भाई निकलती है और बालों की अच्छी केयर भी होती है, तो सरसों का तेल अच्छा होता है बालों के लिए। तो अभी चल रही हूँ मैं इन लोगों को चंपी करूँगी और उसके बाद मैं थोड़ी सी पैकिंग कर लूँगी और उसके बाद सोएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और आज का व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।